इस फिल्म की कहानी एक ऐसी नन के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। अब वो उसको पाने के लिए क्या क्या कारनामे करती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बैड सिस्टर और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक बहुत पसंद था और वो अपने वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करता था। जेसन के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी इसलिए उसके मॉम और डैड जेसन और उसकी बहन जोई को वापस स्कूल छोड़ने आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक नई टीचर को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। सोफी पहले दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी पर अब उसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया था। इसके बाद सिस्टर रेबेका जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी वो सोफिया को पूरा स्कूल दिखाने लगती है। इसी दौरान सोफिया की मुलाकात जेसन से होती है और उसे देखते ही सोफिया उसे पसंद करने लगती है। फिर अपने रूम में आने के बाद सोफिया जेसन के वीडियोस देखती है और वो अपने लैपटॉप पर ही जेसन को किस करने लगती है। यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से ही जानती है। फिर अगले दिन क्लास में सोफिया जेसन को सारा नाम की एक लड़की से बात करते हुए देखती है और उसे देखकर सोफिया को बहुत जेलस फील होता है, इसलिए वो सारा की सीट चेंज कर देती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए बोलती है। इसके बाद मॉर्निंग प्रेयर के टाइम सोफिया जोई को प्रेयर करने के लिए बोलती है जो कि काफी अजीब था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर हमेशा नंस ही बोलती हैं। इसके साथ ही वो खुद भी प्रेयर नहीं बोलती क्योंकि उसे प्रेयर करना आता नहीं था। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन से पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन उसे बोलता है कि नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं। जिसको सुनने के बाद सोफी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। लेकिन अगले दिन जब वो सारा और जेसन को किस करते हुए देखती है तो गुस्से में वो अपने हाथ में पकड़े क्रॉस को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया एक साइको है और वो जेसन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद वो सारा को धमकी देती है कि अगर वो जेसन के नजदीक भी गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफी जेसन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी दोस्त है। अब उसके इस सवाल का जेसन के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद सोफिया जेसन को स्कूल के बाद उसके रूम में आने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर स्कूल के बाद जब जेसन सोफिया से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला है और सोफिया अंदर अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल ये सब सोफिया का ही प्लान था और वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रही थी। वहाँ जेसन भी सोफिया को देखकर पूरे मजे ले लेता है पर वो उससे मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ सोफिया का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और अब जेसन के मन में सिर्फ सोफिया के ही ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन जब जेसन वीकेंड पर अपने घर जा रहा था तो वहाँ पर सोफिया जेसन और सारा को आपस में बात करते हुए देखती है, जिसको देखकर उसे जलन होने लगती है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबेका से ये बोलकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बीमार है और उसे उनसे मिलने जाना है। फिर रात को सोफिया चुपके से जेसन के घर पर जाती है और वो उसे छुपकर देखने लगती है। तभी वहाँ पर जेसन को सारा का कॉल आता है और वो उसे बातें करने लगता है। अब ये देखकर सोफिया को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि अगर उसे जेसन को हासिल करना है तो उसे सारा को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए वो रात को चुपके से सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक में गांजा रख देती है। फिर अगली सुबह क्लास में जब सारा अपनी बुक ओपन करती है तो सोफिया उसे गांजे के साथ पकड़ लेती है और स्कूल में ड्रग्स लाने के जुर्म में वो सिस्टर रेबेका को बोलकर सारा को सस्पेंड करवा देती है। इसके अलावा सोफिया जेसन के रूम में भी शराब की बोतल छुपा देती है और फिर जब सभी स्टूडेंट्स के रूम चेक होते हैं तो उनको जेसन के रूम में से वो शराब की बोतल मिल जाती है। अब ये देखकर प्रिंसिपल जेसन को भी सस्पेंड करने वाले होते हैं पर तभी सोफिया उन्हें बोलती है कि उन्हें जेसन को एक और मौका देना चाहिए। अब सोफिया की बात मानकर प्रिंसिपल जेसन को सस्पेंड नहीं करते पर उसे सजा के तौर पर सभी टीचर्स की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। यहाँ सोफिया अपने सभी प्लान में सक्सेसफुल होती जा रही थी और वो धीरे धीरे जेसन को भी अपने काबू में कर रही थी। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लारा है और वो काफी अमीर है। एक दिन लारा जब इंटरनेट पर जेसन की वीडियो देखती है तो वो उसके प्यार में बर्बाद हो जाती है और वो किसी भी हालत में जेसन को पाना चाहती थी, इसलिए वो जेसन की असली टीचर सिस्टर रेबेका को मार देती है और उसकी जगह वो खुद नन बनकर जेसन के स्कूल में आ जाती है। फिर वीकेंड पर सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं पर जेसन को सोफिया स्कूल में ही रोक लेती है। फिर जब जेसन वहाँ पर काम कर रहा था तभी सोफिया वहाँ पर आती है और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर उस रात जब जेसन अपने रूम में सो रहा था तभी सोफिया वहाँ पर आती है और जेसन के साथ पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देती है। अब जेसन को ये गलत लग रहा था इसलिए वो पहले तो सोफिया को मना कर देता है पर बाद में उसके अंदर भी ठरक जागने लगती है और फिर वो दोनों दबा दबा कर पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर सोफिया भी चुपके से उनके इस कार्यक्रम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अब अगले दिन जेसन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कल रात अपनी टीचर के साथ ही वो सब कुछ कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ सोफिया जोई को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी क्योंकि जोई जेसन और उस पर हमेशा नजर रखती थी। इसके लिए सोफिया जानबूझकर जोई को टेस्ट में कम मार्क्स देती है, जिसको देखकर जोई को बहुत बुरा लगता है। पर तभी सोफिया उसे कहती है कि वो उसे एग्जाम देने का एक और मौका देगी
और फिर वो जोई को क्लास के बाद उससे अकेले मिलने के लिए बोलती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद और जोई के वहाँ आने से पहले सोफिया एग्जाम की आंसर शीट को डेस्क के ऊपर रख देती है और फिर जब जोई वहाँ पर आती है तो उसके हाथ वो आंसर शीट ही लगती है, जिस पर सोफिया उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है और वो सिस्टर रेबेका के पास जाकर उसे जोई को सस्पेंड करने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए वो उसकी इस गलती के लिए जोई को माफ कर देती है। फिर सोफिया के वहाँ से जाने के बाद जोई सिस्टर रेबेका को सोफिया की सारी बातें बता देती है। वो उसे कहती है कि उसे सोफिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, पर रेबेका को लगता है कि शायद जोई गुस्से में ऐसा बोल रही है इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो चर्च में कन्फेशन के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो जेसन के साथ वहीं पर ही पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन वीकेंड पर उनके स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जिनको देखकर सोफिया छुप जाती है क्योंकि वो प्रिंसिपल असली सोफिया को जानते थे। अब सोफिया कहीं पकड़ी ना जाए इसलिए वो सिस्टर रेबेका को बोलती है कि उसकी आंटी बीमार है इसलिए वो उनसे मिलने जा रही है, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जेसन को लॉरा का मैसेज आता है और वो उसे आज रात अपनी पार्टी में बुलाती है। फिर वहाँ पर लॉरा जब जेसन को किस करने की कोशिश करती है तभी जेसन को सोफिया का ख्याल आता है और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है, पर तभी वहाँ पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी उम्र कम होने के बाद भी वो दारू पी रहा था। पर तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो जेसन को पुलिस से छुड़वा लेती है। इसके बाद वो जेसन को एक होटल में लेके जाती है और उसके साथ वहाँ पर पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देती है, पर तभी जेसन उसे रोक देता है और यहाँ पर हम सभी व्यूवर्स का मूड खराब हो जाता है। वो सोफिया को बोलता है कि वो उसे कोई प्यार नहीं करता बल्कि उसे तो रोज दुख होता है कि उसने उसके साथ वो सब कुछ किया। अब ये बोलकर जेसन वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर सोफिया भी गुस्से से पागल हो जाती है। फिर वीकेंड खत्म होने के बाद जब क्लास वापस स्टार्ट होती है तब वहाँ पर सारा वापस लौट आती है, जिसको देखकर सोफिया को बहुत बुरा लगता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब सारा जेसन से बात कर रही थी तो उनको देखकर सोफिया को फिर से जलन होने लगती है। इसके बाद सोफिया सारा के रूम में आती है जहाँ पर वो नहा रही थी, फिर वो उस पर हमला करके उसे मार डालती है और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बना देती है जिससे लोगों को ऐसा लगे कि सारा बाथरूम में फिसल गई और उसका सर दीवार पर लगने से उसकी मौत हो गई। लेकिन वहाँ पर जेसन को पूरा यकीन था कि सोफिया ने ही उसे मारा है, जिसके बाद सोफिया जेसन को धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा तो वो उनका वो वीडियो वायरल कर देगी। अभी सुनकर जेसन बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो वीकेंड पर अपने घर पर आता है तो उसे सिर्फ इसी बात की ही टेंशन होने लगती है। वहीं जोई भी जेसन को बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी और उसे पता चल जाता है कि जेसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो जेसन से सारी बातें पूछती है और जेसन भी उसे सोफिया और अपने सभी कांड के बारे में बता देता है। वो उसे बताता है कि उसने उन दोनों का वीडियो भी बना लिया है और वो उस वीडियो के बेस पर उसे ब्लैकमेल कर रही है। फिर इसके बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो सोफिया का सच सबके सामने लाएंगे। इसके लिए वो दोनों अगले दिन चुपके से सोफिया के रूम में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें असली सोफिया की बहुत सारी फोटोज मिलती है। तभी जेसन को वहाँ पर एक और लैपटॉप मिलता है जिसमें उसे जेसन की भी बहुत सारी फोटोज मिलती हैं, और वहाँ पर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है। दूसरी तरफ सोफिया सिस्टर रेबेका को बताती है कि उसकी जो आंट बीमार थी उसकी मौत हो गई, जिसके बाद रेबेका उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देती है। लेकिन बाद में जब रेबेका हॉस्पिटल में फोन करके उसकी आंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि सोफिया अब तक उसे झूठ बोल रही थी और उसकी कोई भी आंट वहाँ पर नहीं है। फिर अगले दिन स्कूल के बाद जब सिस्टर रेबेका सोफिया से उसकी सच्चाई पूछती है तो सोफिया उसे भी मार डालती है। दूसरी तरफ जोई और जेसन सोफिया की सच्चाई बताने के लिए रेबेका के पास जाते हैं, पर रेबेका उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए चर्च में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। फिर वहाँ पर जोई सोफिया को बोलती है कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और अब हम पुलिस को सब कुछ बताने जा रहे हैं। फिर वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तभी सोफिया जोई पर हमला कर देती है। फिर वो उसे मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर सिस्टर रेबेका आ जाती है और सोफिया उसे छोड़कर पहले रेबेका को मार देती है। इसके बाद सोफिया जैसे ही उन दोनों को मारने उनके पास आती है तभी जेसन एक स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।